हमारी सरकार बिजली के मीटरों को बिना एनओसी के मीटर लगाने का निर्णय लेकर लाखों मीटर लगा दिए। आज की तारीख में जिस टाइम बिजली के मीटर के बिल आते हैं, मेरे ख्याल में उसके भुगतान के लिए जब लोग जाते हैं तो जितने वो बिल आए उनके मेरे ख्याल में 60% बिल के तो आपके ऑब्जेक्शनेबल हो जाते हैं। एक बार ही आपने मीटर बदले, उसमें क्या डिफेक्ट निकाला, टेक्निकली क्या चीज हुई, ये खुद ही इस चीज को जानते हैं। फिर दूसरी बार ही आपने और अभी मीटर बदले है सारे, वो इतने बड़े बड़े ढांचे लगा के वहां पे ले आए, और उस मीटर की शिकायत एक आदमी बोले, दो आदमी बोले, चार आदमी बोले, हम मानने को तैयार है। पर सैकड़ों आदमी जब इनको बोले, जब आपके मीटर के बिजली के बिल आते हैं, तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। वो जंप कर रहे हैं वो मीटर, जिस आदमी का बिल सपोज 100 रुपए आता था, उसी आदमी का बिल लिटरली अब डबल और ट्रिपल होने लग गया। यूसेज उतनी है, परिवार उतना ही है, तो एवरीवन हम मानते हैं अगर उसमें फ्लक्चुएशन हो, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन 5-10% नीचे ऊपर हो, पर इन हंड्रेड मतलब डबल और ट्रिपल होने के तो कोई कार्य नहीं बनता इसका। क्या मीटर बदलेंगे आप? और ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और ये एक बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं मिली जुली भगत है कि आपने अपने टेन्योर में 2 या 3 बारी बिजली की मीटर ही बदल दी। कंज्यूमर पर इसका बोझ पड़ रहा है। चीज लानी है, ढंग की चीज लानी है, टेस्टेड चीज लानी चाहिए थी, क्वालिटी की चीज आनी चाहिए थी, और उसके मुताबिक आप अपना यूसेज और पब्लिक को भी ट्रायल बेसिस पे आपको पब्लिक के बीच एक छोटे से पॉकेट में उनको लगा लेते हैं, 100 प्यास घरों में लगा के उसका ट्रायल देके उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट्स करते हैं। पूरे शिमला में ऑर्डर हो गए और आपने इमीडिएटली बदलना शुरू किया, फिर उसमें कोई डिफेक्ट आया, अगेन आफ्टर 1-1.5 साल बाद फिर ऑर्डर हुए और फिर और आपने सारे बदलने शुरू कर लिए, और उसके चार्जेस लोगों के ऊपर भी पड़ते हैं, कंज्यूमर पर उसके चार्जेस पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपने चार्जेस पड़ते भी है, पड़ गए एक बारी, पर चीज तो ढंग की दो। इस चीज को भी आप आज दर्शा रहे हो, इन्होंने अपने पांव पे खुद ही अपनी कुल्हाड़ी मार के रखी है। चलो, और कई इश्यूज इन्होंने जैसे कि इसमें कहा है कि हमने दुकानों के लाइसेंस के रिन्यूअल ये कर लेंगे। पहले दुकानों के लाइसेंस के रिन्यूअल फीस बड़ी नॉमिनल सी होती थी, 3-5 साल में 1,000 रुपए 2,000 जैसे जैसे भी होती। आज की तारीख में जो आपने वो फीस बढ़ाई हुई है उसके लिए भी लोगों में ऑब्जेक्शन है, बाजारों में हर जगह में आपके ऑब्जेक्शन है। तो ये पब्लिक के ध्यान में नहीं रखते हुए इन्होंने कहीं बैठ के अपने आप ही जो इनके जो मंगेरीलाल के सपने थे जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, ये इस कागज के थ्रू, इस मैनिफेस्टो के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें से कई पॉइंट्स जो आपके 2017 के एमसी के इलेक्शन में वो वाले पॉइंट्स इसमें डाले, उसके बाद तो आपको चांस मिला है, तो क्यों आपने पूरे नहीं किए? वो क्या जरूरत पड़ गई आपकी? 2017 में भी कुछ पॉइंट्स डाले थे और 2022 में भी आप उन्हीं पॉइंट्स को रिपीट कर रहे हैं, तो उसका मतलब आपका फेलियर रहा है बीच में 5 साल में, कि आपने 2017 वाले पॉइंट्स भी इसमें लाने पड़े, जहां की वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व होगी जो आपने कमिटमेंट की है आपने पूरी कर ली है, तो उसके बाद आप इसको लाने की क्या जरूरत थी 2022 में? कंपेरिजन किया जाए इसका 2017 के मैनिफेस्टो का और अभी का, इसमें वो किया जाए जी। अवारा कुत्तों और बंदरों के लिए हम ये करेंगे, मेरे ख्याल में इतने इंसान नहीं होते माल रोड पे या रिज पे जितने आपके यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स और मंकीज होते हैं। आज के आपके माध्यम के थ्रू ही आपने आज अखबार सबने पढ़े होंगे, आज उस पर लिखा है कि जानलेवा बंदर यहाँ पे घूम रहे हैं, वो कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, तो अब उस चीज का तो हमारे को तो संज्ञान लेना पड़ेगा ना। हम सीरियसली इस प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम पिक की है, वेटनरीज इनसे बात हुई, ऑफिसर्स से बात हुई है, और आने वाले वक्त में भी देखा जा सकता है कि हम इनका क्या प्रयास कर सकते हैं, इनके लिए कौन सी चीज ऐसी है कि इनको यहाँ से कहीं शिफ्ट करके कहीं ऐसी जगह जाए जंगलों में जहां पे उनके पास कुछ खाने को भी मिले और इंसान की जिंदगी से इंटरफेरेंस से भी हट जाए। कुछ ना कुछ तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और इमीडिएटली जैसे कॉरपोरेशन बैठती है, हाउस जैसे बैठता है, हम इन चीजों पे अपने संज्ञान देंगे, जरूर संज्ञान देंगे। जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप,
16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका। सोनो ग्रुप और ड्यूक कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रनर इन फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।